नई वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना मजबूरन मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। चलाओ गोली, मगर आज तुम पुलिस वाले इन गरीब मजदूरों को रोक नहीं सकते। इनके नेता का मर्डर हुआ है और वो मर्डर इस फैक्ट्री के मालिक ने करवाया है। आज हम राख कर देंगे इस फैक्ट्री को। आलीशान बंगले से सड़क पर ले आएंगे साबरा सेठ को। इस फैक्ट्री को आग लगा रहे तुम लोग, जो तुम लोगों के बच्चों के पेट की आग बुझाती है। क्या मिलेगा इसे जलाकर? बदला पूरा हो जाएगा तुम लोगों का। अरे आज जो आधी रोटी तुम लोगों को नसीब हो रही है ना, उससे भी तरस जाओगे तुम लोग। कौन आग लगाना चाहता है इस फैक्ट्री को? तू कौन होता है पूछने वाला? मैं आग लगाना चाहता हूं। तो तुम सब इसके बहकावे में आकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाह रहे थे। जानते हो ये कौन है? ये क्या, शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं, मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। मैं किसी गरीब पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं गुंडा हूं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। अबे तू पागल है क्या? मेरे को जानता भी है और मेरे से ऐसी बात करता है? बाबा नायक के अक्का लाइफ में पहली टाइम किसी ने ऐसी बात की है। वापस चला जा नायक, नहीं तो आज पहला टाइम तेरा दादागिरी भी निकल जाएगा। क्या बोला? अगर इन गरीब मजदूरों को बहका कर किसी मुसीबत में डाला ना, तो यही इसी सड़क पर मारूंगा तुझे। तमाशा बना दूंगा तेरा। याद रख छोकरे, तूने बाबा नायक का हाथ पकड़ा है। आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा नायक। आजाद देशपांडे, क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ सर, ये जो गुंडा है ना नायक, ये इन मजदूरों को भड़का कर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाहता है सर। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और इंस्पेक्टर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये सब गरीब लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए और तुम्हें गोलियां चलाने का मौका मिल जाए, यही ना? नहीं सर। शट अप, मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। वाकई तुमने अपने नाम जैसा काम किया है बेटे। क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, इम्तिहान दिया है, रिजल्ट आने वाला है। तुम जरूर पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नंदू। यस सर। इस लड़के पर नजर रखना, हिम्मत वाला है, किसी दिन हमारे काम आएगा। हाथ को पकड़ा था ना तूने? ए, छोड़ दे मेरे बेटे को। अच्छा तो तू है इस फैक्ट्री का मालिक। चल साइन कर कि तूने ये जमीन मेरे को बेची है। कर। नहीं, अब ये जमीन मेरी नहीं है, इन मजदूरों की है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर
सर, ये गुंडे हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाहते हैं। देखिए मेरे बेटे का क्या हाल बना कर रखा है। कुत्ते! चल साइन कर, नहीं तो आज तेरे बेटे का अकाउंट बंद कर दूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। ए, अंगूठा ले इसका। इंस्पेक्टर ले जाके इसे बंद कर दो, और कल तक इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहा मुझे? अरे नहीं चलूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बाबा नायक तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे बाबा, देख लूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा बाबा। इसका घर खाली कर दो, आज इसका अकाउंट बंद। इतना तो मार चुके हो, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। सांप को आधा मार के छोड़ दो तो वो और खतरनाक हो जाता है। बस्ती वालों, अगर किसी ने इसकी हत्या को कांधा दिया या चिता को लकड़ी दी तो उसके परिवार का भी यही हाल करूंगा, याद रखना। चिल्ला और जोर से चिल्ला, आज मैं तुझे बताऊंगा कि कानून का कौन सा दफा कितनी दफा लगता है। पुलिस वाले के मुंह लगता था ना तू? कुत्ते के बच्चे, तू पुलिस वाला नहीं जो कानून को बनाकर गुंडों के हाथों में बेचता है। देखो, मैं उसकी मुंह से चीखे सुनना चाहता हूं। मारो! इतना मार खाने के बाद भी तू चीखता क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अगर मैं बच गया ना तो तू नहीं बचेगा। फेंक दो कुत्ते को बस्ती में। इनकी चिता के लिए तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी। लाखों सिपाहियों की तलवारों ने जो काम नहीं किया वो काम इन किताबों ने किया है, और फिर हम गरीब हमारे बच्चों को यही तो एक हथियार दे सकते हैं।
क्या चाहिए? क्या चाहिए? कौन? मैंने तुझसे कहा था ना पाठारे, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा। तू साबरा मैं। कैसा लग रहा है बेघर होने के बाद? तेरा घर मैंने खरीद लिया। तो तू ही है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार। हाँ साबरा, मैं ही तेरी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। तेरे टेंडर्स मैंने ही दूसरे को दिलाए, तेरी मिल मैंने ही खरीद ली। याद कर साबरा, बिना छत मेरे बाप की लाश 2 दिन सड़क पर सड़ती रही। याद आया साबरा? अगर याद नहीं आया तो ये देख।
जानता है क्या है ये तेरे सारे गुनाहों के सबूत है आदर्श। तुझे लगता है कि कागज के इन टुकड़ों के सहारे तुम मुझे सजा दिला सकेगा? अरे ये सबूत नहीं, रद्दी के वो टुकड़े हैं जिनकी इस देश में कोई कीमत नहीं। अरे इससे पहले क्या इस देश में पुल नहीं गिरे, डैम नहीं टूटे, हादसे नहीं हुए, गरीबों की जाने नहीं गई? कानून ने आज तक किसी एक आदमी को भी गिरफ्तार किया? अदालत ने किसी एक को भी इस जुर्म की सजा दी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा दिखावे के लिए कमीशन जरूर बिठा दिए जाते। तू आज भी उस देश में जी रहा अनिकेत, जिसके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। लेकिन आज वो देश बदल गया है, एक नीलाम घर बन चुका है, बोलियां लग रही है, हर आदमी बिक रहा है अनिकेत, हर आदमी। तेरे पास सबूत है ना, तो जा कोर्ट में, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, मेरा देखता हूं तेरी सच्चाई क्या कर लेती है। मेरा अनिकेत ने आदर्श के सारे गुनाह अपने सर ले लिए। अब अगर आदर्श ने अनिकेत की खातिर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें अनिकेत को रोकना होगा। अनिकेत को रोका नहीं जा सकता। तोड़ा तो जा सकता है, उसे मारकर। देश पांडे, नाम मिटा दूंगा उस हरामजादे का जिसने मेरे भाई की तरफ आग भी उठाकर देखा तो। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हें शेर बनाया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके पेट से अंतड़ियां निकाल लेता हूं। अपनी ताकत के घमंड में आके शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश भी मत करना देशपांडे, वरना मिटा के रख दूंगा तुझे। और याद रखना, अगर अनिकेत के जिस्म पर एक भी खराच आई तो मैं तेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद को निचोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा, समझा? नहीं जानते, ये आप लोगों के भाई बंधुओं की चिताएं नहीं है, ये मेरी अपनी चिता है, मेरी अपनी चिता। मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा और आदर्श को सजा दिलाऊंगा जो इस गैस ट्रेजेडी कांड का जिम्मेदार है। लेकिन याद रखना, इस इलेक्शन में वोट देकर मुझे ही कामयाब बनाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूं। तुम्हारे घर मैंने बर्बाद नहीं किए, इन तीनों ने किए। ये दोनों सरासर झूठ कह रहे हैं, गैस ट्रेजेडी में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, अनिकेत कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारा नेता हूं, देखो रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ।
आंदोलन यहीं खत्म नहीं हो जाता। मिटती हुई इंसानियत और सिसकती हुई मातृभूमि को बचाने के लिए हम सबको हर कदम एक आंदोलन की जरूरत है।